जिंदगी बेटियां जान है बेटियां, खेत में धान के बान है बेटियां, बेटियों को समस्या न समझो कभी, मान लो तो समाधान है बेटियां, अपना झंडा है ऊंचा किए विश्व में। मणिका को जब देखता हूँ तमाम उपलब्धियां अर्जित करते हुए तो इतनी खुशी होती है, उसका प्रारंभिक दौर भी मैंने देखा, इसलिए बहुत अतीव प्रसन्नता होती है कि जिंदगी बेटियां जान है बेटियां, खेत में धान के बान है बेटियां, बेटियों को समस्या न समझो कभी, मान लो तो समाधान है बेटियां, अपना झंडा है ऊंचा किए विश्व में, देश भारत की पहचान है बेटियां, सरहदों पर मुकाबिल खड़ी शत्रु के अब तो सेना में कप्तान है बेटियां, जिन घरों में नहीं कुल का दीपक जला उन घरों में तो दिनमान है बेटियां, और हाथ अब खोलना कि जिन घरों में नहीं कुल का दीपक जला उन घरों में तो दिनमान है बेटियां। और बेटियों को बढ़ाओ पढ़ाओ सखे, क्योंकि कुदरत का वरदान है बेटियां। मेरे छोटे छोटे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनके चेहरे को देख रही हूँ तो रामलला का बचपन नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको इस नाते प्रणाम करती हूँ, और आप आज की महफिल में सबसे ज्यादा प्रणाम में आप ही हैं। आपको देख रही हूँ तो कुछ पंक्तियां सजीव होती नजर आ रही हैं कि चंदन है इस देश की मिट्टी, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भैया बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बेटियों के लिए कह रहे थे, यकीनन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। छोटी सी बच्ची वहां बैठी है और एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर बैठी है, मेरे लिए भतीजी है। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जो बेटियों को कोक में ही मार देते हैं। मैंने लिखा कहीं कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। आप लोग यकीनन बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, और ये ऐतिहासिक क्षण है जो हम सभी कवि महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब याद किया जाएगा आने वाले 50 सालों में तो हम भी इस पल के साक्षी रहेंगे कि हम सभी राम उत्सव में शामिल हुए थे। निश्चित रूप से मणिका, यकीनन। पढ़ती हूँ सुनिएगा। स्वागत। कि राम है सरलता में, राम है कुशलता में, शबरी के सब्र की राग मेरे राम जी। राम है सरलता में, राम है कुशलता में, शबरी के सब्र की राग मेरे राम जी। रोम रोम में रमाए नाम राम राम राम, मारुति के हृदय का भाग मेरे राम जी। जितने सिया के राम राम की है जान की भी, जितने सिया के राम राम की है जान की भी, सिए प्राण सिए अनुराग मेरे राम जी। सदाचार सत्यवाक सप्त ताल प्रभेता भी, पारग परेश परित्याग मेरे राम जी। और राम जी को याद किया और हनुमान लला को ना याद किया तो ये तो भूल होगी। पढ़ती हूँ सुनिएगा। रामायण यहाँ पर बैठे हैं, आप भी सुनिए। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। केंजनी के लाल 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 सी लंगोट में जो लंका फूंक डाले वो महान हनुमान जी। वाह वाह। अंजनी के लाल 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 सी लंगोट में जो लंका फूंक डाले वो महान हनुमान जी। भारी भुज तेज भाल से सवार हर काज, राम की संभालते कमान हनुमान जी। कि आए महाबली जब जब भी पुकारा गया, आए महाबली जब जब भी पुकारा गया, करता जहान गुणगान हनुमान जी। और रग रग बोलती है बजरंग बजरंग, रग रग बोलती है बजरंग बजरंग, हम हिंदुओं की तो है जान हनुमान जी। आहा, आहा। हम हिंदुओं की तो है जान हनुमान जी। बहुत आभार, बहुत आभार। आप सभी बिल्कुल भी महसूस होने नहीं दे रहे हैं कि ये कुर्सियां खाली हैं पीछे, यकीनन, क्योंकि ये गुरुकुल के बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहने? जो अपने नाजुक कंधों पर भी 100 लोगों का बोझ उठाने के काबिल होते हैं, ये गुरुकुल के ही बच्चे हैं। बहुत बड़ी बात की है मणिका, वाह 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 वाह, निश्चित रूप से बहुत अच्छे। इन दिनों
एक उत्सव का गीत लिखा मैंने, राम महल में आए, उसको बहुत, बहुत प्रेम मिला सोशल मीडिया पे, बहुत। और ये पहली बार होगा कि मैं इस गीत को पढ़ रही हूँ और आप सबका प्रेम मिलेगा तो मेरा पूरा मन बनेगा उस गीत को आप तक पहुँचाने के लिए। राम जी को सुना रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी मणिका, एक बार तालियां बजा कर उस गीत का स्वागत करें। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस मंच पर हैं। मैं माँ नर्मदा के तट से आई हूँ, माँ सरयू के तट पर खड़ी हूँ। इस मिट्टी ने रामलला के पैरों की ठुमक देखी है, इस मिट्टी ने सीता जी का सतीत्व देखा है, इस मिट्टी ने शबरी की प्रतीक्षा देखी है, इस मिट्टी ने हनुमान जी की भक्ति देखी है, इस मिट्टी ने लक्ष्मण जी का भ्रात प्रेम देखा है। तो हम सभी, आप सभी ने जरूर पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पुण्य किया होगा जो आपको इस मिट्टी में जन्म मिला है। यकीनन। मैं एक गीत पढ़ती हूँ, स्वागत है मणिका, उत्सव का गीत है, पढ़ती हूँ, आपका मन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अभय भैया आ गए हैं, उन तक प्रणाम पहुंचे, उनके माध्यम से हम सभी यहाँ पर मंच पर हैं और इस गौरव को जीने जी रहे हैं। मणिका, तुम्हें अगर कोई भी संकोच हो रहा है, जरा सा संकुचित हो रही हमारी बहन, लेकिन अब अभय भैया आ गए हैं तो तुम उस गीत को अभय होकर निर्भीक भाव से पढ़ो, कविता पूरे मन से सुनी जाएगी। वाह क्या बात है, पूरी प्रैक्टिस करके आए हो भैया आप। वाह। ए जी राम महल में है आए, सजी है सारी अवधपुरी। जय जय श्री राम। ए जी राम महल में है आए, सजी है सारी अवधपुरी। मेरी अखियों से खुशियों के आंसू की देखो आज लगी रे झड़ी। त्याग तपस्या की नगरी अयोध्या, त्याग तपस्या की नगरी अयोध्या, कितने बरस से थी शबरी अयोध्या। त्याग तपस्या की नगरी अयोध्या, कितने बरस से थी शबरी अयोध्या, कितने बरसों के तर से नयन को हाँब जाके राहत मिली। ए जी राम महल में है आए, सजी है सारी अवधपुरी। बहुत अच्छे। सारी धरा उनका स्वागत करेगी, दीप जलेंगे दिवाली मनेगी, जग में प्रीत की जीत को फिर से मिलेगी एक सूरत नई। ए जी राम महल में है आए, सजी है सारी अवधपुरी। और ये जो अंतिम बंद है, मैं उन सभी के बलिदान को समर्पित करती हूँ, ये अंतिम बंद, जो भी राम मंदिर बनने के साक्षी रहे हैं, ये पूरे अयोध्या वासियों के लिए है ये बंद, उन्होंने जिया है, उन्होंने रामलला को तंबू में भी देखा है और आज वो महल में भी देख रहे हैं। मैं सबको समर्पित करती हूँ, पूरे भारत वासियों को समर्पित करती हूँ, आप सुनिएगा। पीर हमारी अब वो ही हरेंगे, पीर हमारी अब वो ही हरेंगे, हम तो भगत हैं जी धीर धरेंगे, मेरे संयम की मेरे सबर की
है लेते रामा परख बड़ी, ए जी राम महल में है आए, सजी है सारी अवधपुरी। बहुत आभार, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है इस उत्सव के अनुसार मेरा काव्य पाठ तो हो गया, पर फिर भी मैं प्रेम लिखती हूँ और प्रेम की कुछ बात करती हूँ। आप सभी बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप प्रेम को कितना समझेंगे, पर जो भी मैं पंक्तियाँ कहूँ आप उसमें अपने माता पिता को देख सकते हैं, आप उसमें राम जी को इमेजिन कर सकते हैं, इतना मुझे लगता है। मैं पढ़ती हूँ पंक्तियाँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं एक छोटा सा गीत आप तक रखती हूँ और फिर अपना स्थान ले लूँगी। प्रेम का गीत है, मुस्कुराहट का गीत है, सुनिए। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुमको देखूं तो जीने की और लगन हो जाए, तुमको देखूं तो जीने की और लगन हो जाए, तुमको देखूं तो मन मौजी और मगन हो जाए, तुमको देखूं तो मन मौजी और मगन हो जाए। तुम उतने पावन जितनी, तुम उतने पावन जितनी पावन सरयू की धार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुमसे ही लब खिल उठते हैं जैसे कोई गुलशन, तुमसे ही हर सांस जुड़ी है और जुड़ी है धड़कन, तुमसे ही हर सांस जुड़ी है और जुड़ी है धड़कन। ये दुनिया मामूली सा दिन, ये दुनिया दिन मामूली सा, तुम लगते इतवार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। और एक गीत पढ़ रही हूँ। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आत्मविश्वास होना चाहिए, ये भी सुनिएगा। और आप ये जब बंद आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पंक्तियां हैं ये सीता माता प्रत्यक्ष राम जी से कह रही हैं, सुनिएगा। कि तुम जो कह दो तो मैं नापूं धरती अंबर सारा, तुम जो कह दो तो मैं नापूं धरती अंबर सारा, तुम कह दो तो तुम पर अपना वारूं तन मन सारा, तुम कह दो तो तुम पर अपना वारूं तन मन सारा, तुम कह दो तो मैं कर डालूं, तुम कह दो तो मैं कर डालूं तुम पर जान निसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनेगा। कि तुम ना हो तो इस जीवन का होना क्या होना है, किसी का ना होना क्या होता है। कि तुम बिन जीवन पल भर भी आबाद नहीं हो सकता है, तुम बिन दिल ये दिल ही है,
दिलशाद नहीं हो सकता है। तुमसे मिलना दुनिया का सबसे सुंदर है आलिंगन, तुमसे मिलना दुनिया का सबसे सुंदर है आलिंगन, तुमसे बिछड़न से बढ़कर अवसाद नहीं हो सकता है। तुम ना हो तो इस जीवन का होना क्या होना है, तुमको ना पाया तो सब कुछ पाकर भी खोना है, तुमको ना पाया तो सब कुछ पाकर भी खोना है। अब मेरा साथ दुआ, मेरी छोटी सी दुनिया को, मेरी छोटी सी दुनिया को, मेरी छोटी सी दुनिया को तुम देते विस्तार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां आपके नाम करके जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया और थोड़ा सा अयोध्या मेरे साथ चला गया। आपका प्रेम मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चार पंक्तियां आपके नाम, इन प्यारे बच्चों के नाम, कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार।